हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मधुरा जोदिया और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम। आज हम बनाने वाले पाव भाजी, वो भी घर पे बनी हुई पाव भाजी। घर पे बनी पाव भाजी की बात अलग ही होती है, कितना टेस्ट आता है। मेरे तो मुँह में अभी से पानी आ गया। चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं पाव भाजी। ये सबसे पहले नंबर कढ़ाई में तेल, उसके बाद उसमें थोड़ा जीरा, फिर प्याज, शिमला मिर्च को बढ़िया चॉप करके डाला। फिर मैंने उसको पकने दिया जब तक वो थोड़ा सा अच्छा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता, जब तक आपको उसको पकाना है। और आप सभी कैसे हो मुझे बताना, और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो वो भी बताना कमेंट करके। फिर उसके बाद मैंने टमाटर चॉप करे, फिर एक बाउल में मैंने लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और गर्म मसाला और पाव भाजी मसाला, ये सब मैंने उसमें मिक्स करा। मिक्स करने के बाद फिर मैंने उसी कढ़ाई में कसूरी मेथी को अच्छे से हाथों से रफ करके डाला। उसके बाद मैंने उसमें मसाला जो भी मैंने बाउल में तैयार करा था उसे रेडी करा, उसको अच्छे से भूंजा। और भूंजने के बाद उसमें थोड़ा सा बटर डाला, क्योंकि मैंने ऑयल बहुत कम यूज़ करा था, मुझे बाद में कम लगा। उसके बाद मैंने उसमें टमाटर डाले, फिर थोड़ी देर टमाटरों के साथ मैंने उसको ढक के रखा। ढक के रखने के बाद, क्योंकि वो थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे ढकने से, और फिर उसके बाद मैंने उसको फिर से मिक्स किया अच्छे से। फिर उसमें मैंने पानी डाला, फिर उसको मैंने अच्छे से चलाया। फिर उसके बाद मैंने आलू छिले। आलू मैंने पहले बॉईल कर लिए थे, और आलू के साथ मैंने मटर भी बॉईल किए थे, क्योंकि हमें सॉफ्ट हो जाए दोनों चीज़ें। फिर मैंने उसके बाद अच्छे से टमाटर हुए, फिर मैंने टमाटर को आलू मैशर से उसको अच्छे से मैश किया। मैश करने के बाद फिर मैंने उसमें आलू डाले। आलू को भी मैंने खूब अच्छे से मैश किया, क्योंकि पाव भाजी में मैश करना बहुत अच्छा, उसमें अच्छा फ्लेवर आता है मैश करने से। खूब अच्छे से जितना हो सके आप तो उतना अच्छा मैश करें आप। और मैंने सब मैश करने के बाद उसमें और पानी डाला, क्योंकि मेरी पाव भाजी बहुत गट्ठी हो गई थी। पानी डालने के बाद मैंने धनिया चॉप करके रखा हुआ था, थोड़ी देर उसको मैंने पकाया। उसके बाद मैंने उसमें धनिया डाला। धनिया डालने के बाद मेरी पाव भाजी बिल्कुल रेडी है। पाव मैं मार्केट से लाई थी, फिर उसके बाद मैं मार्केट से पाव लाई थी, फिर अब मैं पाव को भी मैं खुद ही अच्छी भाजी के साथ खूब बटर लगा के, नहीं घी लगा के मुझे, क्योंकि मुझे घी वाली पाव भाजी बहुत पसंद है। आप मुझे बताना कि आपको घी वाली पाव भाजी पसंद है या बटर वाली पाव भाजी। ये मेरी पाव भाजी, मैंने इसमें धनिया डाला। और अब मैं मेरे कढ़ाई में पाव सेकूंगी। सबसे पहले मैं कढ़ाई में डालूंगी थोड़ा सा घी, क्योंकि मुझे घी वाले पाव पसंद है। फिर उसके बाद मैं डालूंगी उसमें थोड़ी सी भाजी और कसूरी मेथी, इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं अच्छे से मिक्स करेंगे भाजी डाल के, थोड़ा सा भाजी में पाव का टेस्ट आना चाहिए। अच्छे से मिक्स करके पाव को बीच में से काट के, उसके बाद उसको दो ही साइड से अच्छे से उसी भाजी वाले पाव में घी में, फिर मैंने घी डाला है, घी में अच्छे से उसको सेक के, और फिर हमारा पाव बिल्कुल रेडी है। और फिर उसका थोड़ा और बचा हुआ था मेरा पाव, जो कि टूट चुका था, लेकिन खाना वेस्ट नहीं होना। अब हमारी पाव भाजी बिल्कुल तैयार है। इसके बाद मैंने पाव भाजी की अच्छी से प्लेटिंग करी, और प्लेटिंग करने के बाद मैंने मेरी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करूँगी। आप भी पाव भाजी घर पर बनाया कर ट्राई करें, और हेल्दी फूड बनाएं, और अपनी फैमिली को बुलाएं। टाटा बाय बाय, फिर यू फिर मिलते हैं।